नमस्कार, द स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुशील। तो पूरे ज़िला सांबा से पिछले कुछ दिनों में कम्युनिटी से केस आना शुरू हो गए थे। यही कारण है कि अब ज़िला सांबा की तमाम तहसीलें, चाहे वह विजयपुर तहसील हो, सांबा तहसील हो, बड़ी ब्राह्मणा तहसील हो या फिर गगवाल तहसील हो, इन सभी तहसीलों में एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोहित खजूरिया की तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले कई दिनों से कम्युनिटी से केस आ रहे थे, कई दुकानदार कोरोना से संक्रमित पाए गए। कल विजयपुर में एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में एक नर्स पॉजिटिव पाई गई, वहीं एक विजयपुर में ही एक बैंक का एम्प्लॉय जो कि सांबा में रहते थे और उनकी ड्यूटी एक्सिस बैंक विजयपुर में थी, वह भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी को एक सख्त एक्शन लेने पड़ा और विजयपुर के बाद सांबा, बड़ी ब्राह्मणा और गगवाल तहसील को भी एक बार फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों तहसीलों में अब 26 तक लॉकडाउन है, केवल इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें ही वहां खुलेंगी और वह भी अलग अलग टाइम पे। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वह पूरे सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी और बाकी जो ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे ग्रॉसरी स्टोर है, जैसे जो सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, पोल्ट्री की दुकानें हैं, वह केवल सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुलेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं खड़ा हूं विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा में। यहां पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो यहां का पुलिस प्रबंधन है उसकी तरफ से किया गया है। बिना इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमारे यहां पुलिस के जवान जहां पे तैनात है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है कि जो कोरोना का खतरा है, जो अब कम्युनिटी से केस आना शुरू हो गए हैं, कहीं वह कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो जाए। और लॉकडाउन की जो अवधि है अभी तो कम समय के लिए बढ़ाई गई है, कहीं फिर से एक बार ज़्यादा समय के लिए लॉकडाउन ना करना पड़े और ज़्यादा केस कम्युनिटी से आना शुरू ना हो जाएं। तो डीसी सांबा जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आप सब जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में से डिस्ट्रिक्ट सांबा में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया था। काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन जो कि बाकी ज़िलों से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ज़िला सांबा में रखी गई थी, लेकिन जब जैसे ही अनलॉक फेजेस शुरू हुए तो हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारी जो खामियां हैं वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से भी देखने को मिली, यहां के पुलिस प्रबंधन की तरफ से भी खामियां देखने को मिली थी कि जो ठंडी हुई क्वारंटीन सेंटर था वहां से किस प्रकार लोग पीछे के रास्ते से निकल गए, वह उसके कारण भी काफ़ी जो एक प्रश्न था वह सिक्योरिटी पे भी उठा था, पुलिस प्रबंधन पे भी उठा था कि बिना सैंपलिंग बिना टेस्टिंग कैसे लोग बाहर जा रहे हैं। कि और शायद वह कारण भी हो सकता है कि अब जो कम्युनिटी से केस आना शुरू हो चुके हैं और सांबा के लिए, जम्मू के लिए और पूरे JKUT के लिए ये काफ़ी चिंता का विषय है कि दिन भर दिन कम्युनिटी से केस आना, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिनका कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है और प्रशासन की तरफ से अब काफ़ी सख्ती बरतना शुरू हो गया है। तो केवल एक तहसील को छोड़कर जो कि रामगढ़ तहसील है उसको छोड़कर बाकी सभी तहसीलों में अब लॉकडाउन है। बड़ी ब्राह्मणा, गगवाल, सांबा और विजयपुर में तो पहले से ही लॉकडाउन था। तो मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।